आज सार्डिन फिश का ग्रेवी बनाऊंगी, ग्रेवी सार्डिन फिश बनाऊंगी। तो उसके लिए अदरक लहसुन और प्याज का एक पेस्ट बनाई है। टमाटर ज़रा साबुत रहने दिया क्योंकि इसमें टेस्ट और लुक दोनों अच्छे होते हैं। टमाटर थोड़े थोड़े दिखते हैं तो फिर ग्रेवी अच्छा लगता है। और इसके तेल गर्म है, तेल में सब डाल दिए, अदरक लहसुन और प्याज की पेस्ट है, इसको अच्छे से भून ले भून लूँगी। अभी नमक डाल दी, कच्चापन ना जाए तब तक इसको अच्छे से भून ले। मैं तेल ज़्यादा नहीं डालती हूँ, आप देखें है ना, तेल ना के बराबर होता है मेरे हर एक रेसिपी में। फिर मैं बॉईल किया हुआ आलू डाली हूँ। मैं आलू दो कारण से बॉईल करती हूँ, तो एक तो बॉईल करने से, ज़रा नमक डाल के बॉईल करने से, फिर उसका स्टर्ट जो होता है वो सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं होता है, तो उसको वो निकल जाता है और ग्रेवी में भी एक थिकनेस आ जाती है अगर आप बॉयल्ड आलू डालोगे तो, इसलिए मैं बॉयल्ड आलू को पसंद करती हूँ। और कितना ग्रेवी रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। और ये है सार्डिन फिश, इसको मैंने पहले से फ्राई करके रखा हुआ था, अब एक एक करके सब डाल दूँगी ग्रेवी में। सार्डिन फिश फ्राई करते समय ज़रा टूट फूट सा जाता है, ज़रा केयरफुली फ्राई करिएगा इसको, बहुत नरम होता है। सारे फिश डालने के बाद मैं हल्का सा उसे दबा दूंगी ताकि वो ग्रेवी में डुबा रहे हैं, तब जाके उसके अंदर जो ग्रेवी का जूस और स्मेल वो सब आ जाएंगे। और ऊपर से ग्रेवी जब थिकनेस आ गया तो ऊपर से थोड़ा धनिया पत्ता स्प्रिंकल कर दूंगी। धनिया पत्ता मुझे बहुत पसंद है, आप पसंद करते हो तो डालो, ना तो ना डालो कोई बात नहीं। हो गया, ज़रा सा इसमें बॉयल आ जाने से आपका ग्रेवी बन गया, थिक थिक ग्रेवी बन गया। मैं ज़्यादा थिक नहीं की हूँ, आप चाहो तो उसको और भी थिकनेस ला सकते हो। और ये रहा आपका फाइनल लुक। सार्डिन फिश ऐसे तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये सी फिश है और सी फिश में बहुत सारा फास्फोरस रहता है। अब तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि बच्चों को सी फिश दो, सी फिश तबीयत के लिए अच्छा।